हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मैटर। और जैसा कि आपको पता है कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक होता है और उसके अंदर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन किस टाइप की होती है डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि DI किसी भी टाइप का हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार हो, लाइन ग्राफ हो, वो कहेगा कुछ नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए कहेगा। आपको पता है आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर वो सम करने के लिए बोल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, या रेशियो निकालने के लिए बोल सकता है, यही तो क्वेश्चंस आते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे कि परसेंटेज निकालने के लिए वो पूछता है आपसे। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है, जैसे वो पूछता है एक्स वाई का, इंग्लिश में भी बोल दूंगा मैं आपको, वाई का कितना प्रतिशत है, यही तो बोलता है। या फिर इंग्लिश में है एक्स इज हाउ मच परसेंट ऑफ वाई। ठीक है, कि एक्स इज हाउ मच परसेंट ऑफ वाई, हाउ मच परसेंट ऑफ वाई। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है। तो आप समझ जाएंगे वाई से नीचे आएगा, एक्स ऊपर आएगा, और डायरेक्टली कंपेयर करके आप इधर रख देंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद है कि आप लोगों के में जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है मैं उस पर फोकस कराऊं। तो सबसे ज्यादा मेन फोकस किस पर रहेगा, पूरी तरीके से परसेंटेज पर रहेगा कि हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझा रहा हूं मैं एक बात कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। नंबर एक टाइप का क्वेश्चन ये होगा, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा उसका। दूसरा क्वेश्चन होगा एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई, एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब उसने देन वाई बोल दिया तो नीचे तो वाई आएगा, है ना, कंपैरिजन तो वाई से होगा। लेकिन किस चीज का कंपैरिजन होगा, कि वो कितना ज्यादा या कम है, कितना ज्यादा है। तो एक्स ज्यादा है मतलब एक्स माइनस वाई। आप देखेंगे कि ऊपर एक नंबर है, नीचे एक नंबर है, ऊपर एक नंबर बन जाएगा यहां से, नीचे एक नंबर बन जाएगा इंटू 100। मतलब ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या फिर यहां से कहीं वो डिफरेंस पूछ लेता है। मतलब कहने का ये है कि आपको सारे फॉर्मेट कुछ इस तरीके के मिलने वाले हैं, तो आपका काम होता है कि यहां से कितने परसेंट आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसी चीज पे फोकस करते हुए यही परसेंटेज को खत्म करते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में वैल्यू, तो आप डेटा से निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद अगर कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए आ गया कि 320 अपॉन 595, यानी कि 320 595 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा, आप आराम से समझिए, अगला सवाल आप खुद से करेंगे। देखिए, जो 595 है, आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब कहने का सिर्फ इतना है, अगर नीचे वाली बेस वैल्यू है तो इस 595 को आप कहोगे अपनी लैंग्वेज में कि भैया ये 100% होता है। क्या बोला मैंने, जब ये बेस वैल्यू है तो 100% होता है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है दोस्तों कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे वाले के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत है। आई होप कि मेरा स्टेटमेंट तो क्लियर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर अगर मैं 595 रख दूं तो इसका मतलब वो 595 नीचे वाले 595 का 100% है, तो आंसर 100% आएगा। लेकिन ऊपर वाला तो 595 नहीं है, यानी कि हम इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस 595। यही तो समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इस 595 को रेस्पेक्ट मानते हुए हम इसके टुकड़े कर लेंगे। जैसे मैं इसको डायरेक्टली बोलूँ तो 100% बोलूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूं यानी कि 59.5 बोल दूं तो मैं बोलूंगा इससे 10%। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइंट के आगे हम अप्रोक्सीमेट में जा सकते हैं। मतलब आप 59.5 जो लिखा है आपने, आप इसे 59 या 60 लिख के 10% की वैल्यू बना सकते हैं अप्रोक्सीमेट, या फिर ऑप्शन को देख लो कितना दूर दूर है। ठीक है, उसके बाद जब ये 595 मैंने लिख दिया, ये 100% है, नीचे वाला 595 क्या है, 10% है, 59.5 क्या है, 10% है। अगर मुझे 20% की वैल्यू की जरूरत पड़ जाए कहीं पे, तो मैं इसको दुगना करके आराम से निकाल सकता हूँ ना, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दुगना करके अगर मैं वैल्यू निकालने की सोचूं तो आप कहेंगे कि 59.5 को जब मैं दुगना करता हूँ तो आता है 119। तो कहीं पे अगर मुझे 119 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो मैं 20% कहूंगा। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों कि आप
कि अलग अलग नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू दिस 595, ठीक है। तो यहां से अगर आपने आधा करने की सोच ली कि आपको क्या करना है, आधा करना है, तो आप कहेंगे 29.5 को आप बोलेंगे 5%, यही तो बोलेंगे ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये है, फिर ये है, क्योंकि एक के बाद दशमलव लगाया आपने आराम से निकाल लिया, या इसका आधा करा तो आपने 5% निकाल लिया, ठीक है। यहां से अगर मैं आपको 1% निकालूं तो आप कहेंगे 5.95 आपका 1% होता है। तो ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप एक बात सोच के देखिए, एक बात सोच के देखिए कि 320 किसके बराबर है। आप कहेंगे जो 320 है ये लगभग लगभग आधे के बराबर है 595 के, आधे के बराबर है। अगर मैं 595 का आधा करने की सोचूं तो ये आ जाएगा 297.5, और इसको मैं बोल सकता हूँ 50%, यस और नो, इसको मैं 50% बोल सकता हूँ। तो इतनी चीज़ें बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप बेस वाले नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको करना है 320 को कन्वर्ट परसेंटेज में, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? 320 का बेस्ट टुकड़े क्या रहेंगे, एक तो टुकड़ा ये बन गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टुकड़ा बन गया आपका 297.5, अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हैं 298, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने लिख दिया 295, ठीक है। चलिए स्क्रीन आ गई है वापस। तो इतना करने के बाद आपको मिला 20 और 22, यानी कि 22.5 आपका बच गया। तो इतनी पोर्शन को मैं क्या 50% बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, मुझे इसके रेस्पेक्ट में तो निकालना होता है, मैंने बोल दिया। अब 22.5 को मैं कितने प्रतिशत बोलूँ? तो आप कहेंगे कि सर 29.5 को 5% बोलते हैं, तो ये तो 29 से थोड़ा छोटा है। अगर मैं 100% बात करूँ इसकी तो 55 से थोड़ा सा कम आंसर आपका आने वाला है। 55 से थोड़ा सा कम का मतलब होता है 54 या 53.5 ऐसे आंसर आने वाला है। लेकिन मैं निकालने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली निकालने का मेरा मतलब ये है कि मैं किसी और नंबर को लूंगा, जैसे ही लिखा है 5.95, तो 5.95 22.5 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो मैं क्या दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लूं? तो दोस्तों अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये तो 4% बन जाएगा, और ये बन गया 5 चौक 20 और 24, यानी कि ये 24 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, अप्रॉक्सीमेट 24 की वैल्यू निकालूं तो 4% आती है। लेकिन ये तो 24 से भी कम है ना, ये तो 24 से भी कम है, तो इसका मतलब आंसर 54 पॉइंट, यानी कि ये आंसर जो है अगर मैं इसे 4 लिख दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 54% बट आंसर एग्जैक्टली मेरा रहेगा 53.7%। मैंने क्यों लिखा 7%, क्योंकि थोड़ा सा कम कर दिया उसे, और कितना कम करना है एग्जैक्टली वो भी आप निकाल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस सवाल के ऑप्शन आपको मैं ऐसे दे दूं, आप बात कर रहे हैं कितने क्लोज, कि भाई 54%, 54.2% और एक आंसर है 53.7%, तो आप इतना करने के बाद किस ऑप्शन पे आंसर लगाएंगे? इतना करने के बाद, क्योंकि आपको पता है 22.5 की वैल्यू 4% से थोड़ा सा कम होगी, तो यानी कि 53.7% लगा दोगे आप, ना तो इस पे लगाओगे और इस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, क्योंकि आपकी वैल्यू तो 53.7 है। अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा, फिर 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी परसेंटेज में क्या निकलवाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी आंख बंद करके रैंडम नंबर लेते हैं, जब भी कभी परसेंटेज निकालने के लिए आएगा कि एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई, या फिर ये पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू से कितना ज़्यादा है, या वो उसका कितना परसेंट है, तो हमेशा एक ही फॉर्मेट बनेगा दोस्तों, और वो बनेगा इस तरीके से। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अभी कुछ देख लें पहले। ये लिखा मैंने सपोज 366, और ऊपर क्या लिख दूं, ऊपर लिख दूं 130। अगर मैं इसे काटने बैठूं तो काट सकता हूं, लेकिन मेरा तरीका क्या रहेगा कि ये आपकी बेस वैल्यू है, जल्दी से आप इसे करके कमेंट सेक्शन में बता के वीडियो को आगे कर सकते हैं, है ना। 366 को 100% बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा आप कहेंगे। अब इसके हिसाब से दोस्तों, अगर 366 का मैं आधा करने की सोचूं यहां पे 366 का, ये एक काम करते हैं, जब 100% की वैल्यू इतना है तो 10% की वैल्यू कितना होगी, आप कहेंगे 36.6, ठीक है। अगर मैं इसके आधे की वैल्यू, अच्छा यहाँ से 1% भी आप निकाल सकते हैं, और ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपके माइंड में ये चीज़ें निकल जाएंगी अपने आप। इसका मैं अगर आधा करने बैठता हूँ तो आपके सामने आएगा 183, तो 183 को कितना बोलते हैं, 50%। 100% इसको बोलेंगे तो आधे को बोलेंगे 183। अच्छा ये तो 183 से भी कम है, इसका मतलब आंसर आपका 183 से भी कम आने वाला है, मतलब 50% से कम आने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं, जब 36 को मैं 10% बोलता हूँ
तो यहां 130 जाने के लिए 36 के कितने पेयर लगेंगे, 130 जाने के लिए 36 के ऑलमोस्ट तीन पेयर बन सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई 36.6 को अगर मैं तीन से मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 18 8, ये मैं कर रहा हूं एग्जैक्ट निकालने के लिए, अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 6 18 9 1 10, यानी कि 100 यहां पे बन गया ये 109.8 बन चुका है। 109.8 की वैल्यू कितना लिख सकता हूं मैं यहां पे, 30%। तो ये काम चुटकियों का होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम निकाल पाएंगे आप। तो इस 130 को अगर मैं कन्वर्ट करने बैठता हूं तो मैं कहूंगा 109.8 बेटा, 109.8 प्लस, तो यहां से 109.8 कर लो और फिर थोड़ी सी वैल्यू प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट 20 आ जाएगी, 20 और आ जाएगी। इतनी चीज को मैं 30% बोलता हूं तो 20 को क्या बोलूंगा, अच्छा 20 को क्या बोलूंगा, देखिए समझ में आ जाएगी आपको बात अब, क्लियर है। जब 3.6 को, या यहीं से देख सकते हैं कि जब 3.6 लगा देंगे तो 10 1% बन जाएगा। 3.6 को जब 1% बोलते हैं तो मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करने की सोचूं, ठीक है, तो 6 3 18, ये तो बन गया 18, और ये 6 3 18 मतलब 19.8 को मैं 6% बोल सकता हूँ। सोच के देखिए आप, सोचिए, दिमाग लगाइए कि भैया 19.8 को क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं। ठीक है, 3.6 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 3 6 18, 6 3 18, सॉरी 6 6 36, यानी कि 21.6 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, 19.8 नहीं, 6 6 36, यानी कि 21.6 आ जाएगा, इसलिए ज्यादा आ रहा है। यानी कि 21.6 की वैल्यू 6% होगी, लेकिन आपका तो नंबर 20 है ना, आपको इस 20 की वैल्यू बतानी है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू 5% के आसपास होने वाली है, क्योंकि समझ में आ रहा है। आगे आप बहुत फास्ट करने वाले हैं, इसके बाद समझाने के लिए है ये कि क्योंकि ये 6% की वैल्यू 21.6 होती है, लेकिन ये 20.2 है, तो यानी कि 30 35% समथिंग आंसर है आपका आने वाला है। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली निकालना है तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 13, 5 3 15, 5 3 15 और 3 18, ठीक है, यानी कि 35 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा और 36 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करेंगे और देखो कितनी फास्ट तरीके से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, मैंने नंबर लिया 530 और नीचे ले लेता हूं मैं यहाँ पे 632। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे दोस्तों इसका, क्या निकालेंगे हम, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे, कितना प्रतिशत आने वाला है अप्रॉक्सीमेट। तो मैं कहूँ यहाँ से, आप कहेंगे 632 की वैल्यू 100% है। अच्छा अभी से हम एक बात देखिए, इसको अगर बेस मान रहे हैं, नीचे वाला हमेशा बेस होगा, तो ऊपर वाला नंबर क्या है, उसके आसपास का है। मतलब ऐसे सोच के देखिए आप दिमाग से कि 530 कितने परसेंट होगा, यही तो मेरा सवाल है। मैं कहूँगा कि सर 530 को मैं ऐसे ब्रेक कर लूँ क्या, कि 632, और यहां से 632 में अगर 530 घटाने की सोचूं तो यहां पे आ जाएगा 102। समझ में आया, मतलब 630 में से माइनस करना है 102। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं प्लस वाली अप्रोच लगा रहा था, लेकिन यहां 632 से मैंने कंपेयर किया, क्यों किया, क्योंकि इस 632 के 632 की वैल्यू मुझे 100% पता है पहले से, माइनस मेरा काम सिर्फ इतना है, 102 की वैल्यू अगर निकाल ली मैंने इसके रेस्पेक्ट में तो मेरा काम बन जाएगा। 102 की वैल्यू देखो चुटकी में कैसे निकालता हूं, आपको पता है 63.2 कि वैल्यू 10% होती है, बिल्कुल पता है, पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे। अब 102 की वैल्यू क्या होगी ये सोचने वाली है, अगर मैं इसको दुगना करूं तो ये तो 126 हो जाएगा, यानी कि आपका 20% से तो कम आंसर आने वाला है। तो एक काम करो इसे और छोटा कर लो, 6.32 को 1% बोलते हैं, ऐसा ना, 1% बोलते हैं, तो 102 में से अगर ओरली मैं 63 घटाऊं, यानी कि इस 102 को भी ब्रेक कर लो आप, 102 को परसेंटेज में निकालना है तो आप पहले 63 में ब्रेक कर लो, तो 102 को 63 में ब्रेक करोगे आप कितना बचेगा, 77 79 बचेगा, है ना, 102 को अगर 63 से माइनस करेंगे तो सॉरी 30 40 39 बचेगा, 39 बचेगा। आपका काम है 39 को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि यहां से 10% तो आ चुका है इसकी वैल्यू, अब 39 को और कन्वर्ट करना है, तो 39 करना तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 और 6 3 18, मतलब यहां से 6% मिल जाएगा आपको, तो 102 की वैल्यू लगभग 16% आ जाएगी यहां पे, कितनी आ जाएगी 16, 10 और 6 16%, तो 100 में से 16% घटा दिया आपने, 84% आ गया। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि भाई यहाँ पे बात समझ में आ गई है। इसका अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो वो भी समझ में आएगा, कैलकुलेटर से 83.8
या 83.9% आएगा। तो और आपने ऐसे निकाला, एक बार फिर समझा रहा हूँ, रिवर्स मेथड है ये कि आपने पहले 632 माइनस समथिंग कर लिया, फिर 632 को आपने 100% लिख लिया, और 102 की जगह क्या कर दिया आपने, 102 की जगह वैल्यू निकाल ली 16%। वो कैसे निकाली, 102 को भी आपने दो जगह ब्रेक किया, एक तो 63 में ब्रेक किया और बचा हुआ 39, और 39 करने के लिए आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करेंगे सवाल और फिर देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सवाल है, देखो मैंने ऊपर 930 लिख दिया और नीचे लिखा मैंने 650, ठीक है, इनटू 100, ऐसे नहीं करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, क्योंकि 65 से 93 काटना मुश्किल हो जाएगा, चुटकी में यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अब सबसे मजे की बात ये देखने वाली कि आपका बेस नीचे वाला है ना, अब ऊपर वाला नंबर तो बड़ा है, इसका मतलब आंसर 100% से ऊपर आएगा, यानी कि अगर मैं 930 को दोस्तों ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो 650 तो एज इट इज आएगा क्या, नहीं आएगा, कि 930 में अगर 650 को हम यहाँ से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, 30 50, यानी कि 280। अब आपका काम इतना है कि 650 को 100% बोलता ही बोलता हूँ मैं, आपका काम है 280 को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ। 650 को पहले आपने 100% बोल दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं, 100% बोल दिया। 65 को आप 10% बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। अब या तो एक काम कर लो कि इस 650 का आधा कर लो, इसके पास पहुंच जाओ, आपको काम सिर्फ इतना है कि 280 को क्या बोलते हैं, वही 100 में ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पे 40% के आसपास करके देख लें, तो ये 40% किसके बराबर होगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24, यानी कि 240 और 260। तो दोस्तों 260 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 260 की वैल्यू 40% होती है। तो इस 280 को अगर मैं दो चीज़ में ब्रेक करूं, एक 260 में और एक कितना बचा, बचा हुआ 20, तो 260 की वैल्यू 40% आएगी और 20 की वैल्यू मुझे अभी निकालनी है, तब 40 में ऐड करके 100 में ऐड कर दूंगा, है ना। तो 20 की वैल्यू निकालने के लिए काम करें, यहाँ से 6.5 की वैल्यू तो 1% आ सकती है, ये काम तो इतना है कि ओरली देख सकते हैं आप अपना। यहाँ से 20 की वैल्यू निकालने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 18, यानी कि 19.55 की वैल्यू 3% आ सकती है यहाँ पे, तो यानी कि 20 की वैल्यू 3% आएगी, यानी कि 43 और 143% आपका आंसर आएगा। देखिए कितनी बढ़िया करके समझ में आया आपको, एग्जैक्टली भी आप आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पे 143 इज़ द करेक्ट आंसर, आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो भी आपके सामने यही आएगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो जल्दी से बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मैं और एक दो क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, और आपके साथ फिर शेयर करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आप सॉल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, मैं लिख देता हूँ कुछ भी रैंडम क्वेश्चन, क्योंकि हम कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस। तो मैंने लिख दिया ऊपर 1240 और नीचे लिख दिया 730, ठीक है, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात पता है कि ऊपर वाला नंबर नीचे से बड़ा है, तो डेफिनेटली 1240 को आप जब ब्रेक करने बैठोगे तो 730 तो आएगा ही आएगा, समझ में आया, 1240 को जब आप ब्रेक करने बैठोगे तो 730 तो आएगा आएगा, यहाँ से 10 और मिलकर यानी कि 510 और आएगा, तो 730 को तो आप 100% बोल सकते हैं, 530 510 को कितना बोलेंगे, यहाँ से देखते हैं कितना बोलेंगे, 730 को आप बोलते हैं 100%, यही तो है ना, 730 को आप बोलते हैं 100%। तो आपका काम इतना है कि 510 को क्या बोलेंगे, ये बात आपको मुझे बतानी है। तो दोस्तों 510 को अगर देखना है क्या बोलेंगे तो यहीं से पता लगा सकते हैं हम, तो 73 को हम 10% बोल सकते हैं ओरली, ठीक है, तो यहीं से अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, यहीं से आप निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आ सकता है ओरली, 7 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, 70 को 7 7 49, 490 और 7 21, बिल्कुल फिट बैठ रहा है दोस्तों, आप करके देखो 7 से मल्टीप्लाई, अगर आप 73 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 511 आ जाएगा, तो 511 की वैल्यू क्या 70% है, बिल्कुल है। तो इसको डायरेक्टली आप देखिए, ध्यान से एक बात समझाता हूँ मैं आपको, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 170% आ गया अप्रॉक्सीमेट, बिल्कुल जल्दी से कर डाला हमने। अब एक बात यह है कि दोस्तों ये 70% 511 की वैल्यू होती है, ये 70% 511 की वैल्यू होती है, लेकिन ये तो 510 है, तो आपकी वैल्यू तो 70% से थोड़ी सी कम होगी ना। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है एग्जाम में 170 और एक मिलता है 169.7%, तो आप किस पे लगाएंगे, थोड़े से छोटे वाले पे लगाएंगे, है ना। तो इस बात को समझिए, आई होप कि आपको ये एकदम मजा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, सवाल अगला कहता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में देने के लिए कुछ सवाल लिख देता हूँ, यहाँ तक मेरे समझाने वाला काम खत्म हो गया है, काफ़ी एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। सवाल कहता है कि 540 है और नीचे लिखा है 270,
आपको बताना है इसकी कितने प्रतिशत है। ये तो बिल्कुल ओरली भी निकाल सकते हैं आप, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं देता हूँ आपको दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल कहता है आपको, ये क्वेश्चन नंबर वन ऐसे लिखना, आपके क्वेश्चन वन का आंसर इतना है, क्वेश्चन टू का आंसर इतना है, क्वेश्चन थ्री का आंसर इतना है, क्वेश्चन फोर का आंसर इतना है। दोस्तों चार क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बना के। ये है 290 और यहाँ लिख दिया मैंने 330, ठीक है। इसकी अप्रोच क्या होगी, 100 में से माइनस करेंगे तो आप अच्छा रहेगा, ये वाला आप आधा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अलग अलग तरह की अप्रोच दे रहा हूँ मैं आपको, ऊपर लिखा है 1230 और नीचे लिखा है 830, ठीक है। कितना परसेंट आएगा, यहाँ लिखा है 18300 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 12500। देखते हैं कौन सी अप्रोच लगाते हैं। दोस्तों चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर दें। जितने लोग यहां पे कमेंट करेंगे मैं उनको मान के चलूंगा कि उन लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है। और आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में और उनको बताएं कि यहाँ पे इस तरीके से हम डीआई के क्वेश्चंस कर सकते हैं। डीआई के क्वेश्चन करने के, हर डीआई में यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, सेलेक्शन मेंटर को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, अपने दोस्तों में जरूर बताएं ये चैनल और शेयर करें इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को भी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो नीचे नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ एंड ऑल कुछ हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो एक काम कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप लोग सर्च करेंगे सेलेक्शन मेंटोर, ये नाम लिखा हुआ है सेलेक्शन मेंटोर, आप सर्च करके और पेंसिल वाला आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है लोगो हमारा, ये आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब उसको कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल को। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।